देख सकते हो हमारी मट्ठी का आटा गूंद के कुछ इस तरीके से, और हमने ये मठिया तैयार की है ये देखो इस तरीके से। हाँ इसमें, हाँ ऐसे इस तरीके से, और इसमें हम काली मिर्च लगा देंगे एक, इसको ऐसे करके। और ये देखो कितनी अच्छी बन के तैयार हुई हैं। अब इसको हम डीप फ्राई कर देंगे, फिर देखना फ्रेंड्स ये बन के बहुत अच्छी लगेंगी। देख सकते हो तेल हमारा यहाँ गर्म हो गया है, अब इसको हम धीमी आंच पे ही पकाना है फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छी मट्ठी बन के तैयार होंगी, देख सकते हो। और फुल सेक पे बिल्कुल नहीं पकाना, धीमी आंच पे ही पकाना है। और आप इस तरीके से काली मिर्च भी लगा सकते हो इसमें, देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरीके से काली मिर्च लगा सकते हो, मर्जी है। अगर नहीं पसंद करते तो मत लगाना, वो ऐसे सिंपल भी अच्छी लगती है पर देखने में थोड़ी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देख सकते हो, इसको डीप फ्राई कर देंगे हम। इस तरीके से बहुत अच्छी बन के तैयार होएगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसको चाय के साथ, कोई गेस्ट आ गया आपके घर में कुछ ना हो तो ये मठिया हम रख सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है बहुत ज़्यादा, और कोई मेहनत नहीं है कुछ नहीं है, और ये इतनी जल्दी बन जाते हैं। घर में पड़ा मैदा तो ईजिली किसी शॉप से मिल जाता है, और फिर इसको हम बना सकते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हो धीमी आंच पे ही पकाने हैं, ये देख सकते हो फ्रेंड्स बहुत अच्छी मट्ठी बन के तैयार होएगी आपकी, ये देख सकते हो। ये देखो कुछ इस तरीके से सुनहरे होने तक इनको पकानी है अच्छे से। इस तरीके से डीप फ्राई करनी है इसको अच्छे से सुनहरे होने तक। कितनी अच्छी लग रही है देखने में बहुत ज़्यादा, और ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी यम्मी लगेगी। इसको ठंडी करके किसी डब्बे में बंद करके रख सकते हैं, कोई गेस्ट आया चाय के साथ दे दो। सुनहरी होने तक एकदम